विगत 5 दिनों से धरने में बैठी हैं, और क्या आपकी मांगे हैं, किस लिए आप लोग धरने में बैठी हैं, क्या है पूरा मामला? हमारी मांग ये है कि समान कर समान वेतन हम लोग को मिल जाए, और ये जो कोविड महामारी चल रही है इसमें हम लोगों का बीमा पॉलिसी हो जाए, हम लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल जाए हमारे बच्चों के लिए, कि अगर इन केस हम इसमें हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे बच्चों को उनका फ्यूचर सुरक्षित हो जाए। किस विभाग में आप लोग काम? स्वास्थ्य विभाग में मैं NM के पद पर कार्य कर रही हूँ। कितने लोग हैं आप लोग प्रदर्शन में? यहाँ पर पूरे प्रयागराज के NM प्रदर्शन पर हैं। नाम बता दीजिए। अनीता साहू। आप लोग 5 दिनों से प्रदर्शन में बैठे हुए हैं धरने में अपनी मांग को लेकर, सर किस वजह से आप लोग धरने में बैठे हैं और आपकी मांग क्या है और क्या चाहते हैं आप? सर देखिए, हम लोग की सबसे पहले मीटिंग हुई थी 29 तारीख को, अभी MD मैडम हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की MD मैम से है, उनके यहाँ से कोई पक्का वो न मिलने की वजह से हम लोग 30 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तो हमारी 7 सूत्री मांगी हैं, जिसमें प्रमुखता से वेतन निसंगति दूर करने की होती, बीमा पॉलिसी होती, ट्रांसफ़र होता है, और आशा बहुओं की आउटसोर्सिंग, इस तरह लेकर 7 मांगे हैं। बहुत से हमारे कर्मचारी सर बहुत से निम्न, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 15,000 में काम कर रहा है, उनके कम से 10-12,000 में आप भी समझ सकते हैं क्या हो सकता है आज की डेट में, उनकी वेतन विसंगति दूर हो। बहुत सी महिलाएं देख रहे होंगे आप बच्चे को लेकर यहाँ बैठी है, वो एक जनपद से दूसरे जनपद कम से कम 200-300-400 किलोमीटर दूर दूर की रहती हैं सर, और इन लोग का भी सबकी निराकरण हो, इसी को लेकर हमारी मांगे हैं। प्रदेश कमेटी की बैठक होगी, उसमें जो भी निर्णय का फल अगर हम लोग का होता है तो सही है, नहीं प्रदेश कमेटी के आह्वान पे हम लोग 7 तारीख को लखनऊ जाएंगे। नाम बता दें। मेरा नाम राहुल है, जिला अध्यक्ष प्रयागराज।